हम लोग आ गए एक और नए ब्लॉग में। आज हम लोग जा रहे हैं हनुमान मंदिर पटना, महावीर मंदिर के नाम से भी हम लोग जानते हैं, पंचमुखी मंदिर नहीं, पंचमुखी मंदिर दूसरा है, हनुमान मंदिर। हमारे साथ है हमारा भाई, एक और लड़का है, वो टोपी वाला का मुंह नहीं दिखाना है इसमें। हम लोग बैठ गए ऑटो में, ऑटो भी मिल गया हम लोग को बहुत आसानी से दर्शन के लिए, और ये शॉर्ट मुझे परेशान कर रहा था। ये फोकस कहाँ कर रहा है, ये रास्ता आप लोग जानते होंगे, बहुत ही कॉमन रोड है। इधर एक मंदिर, नया वाला रिलायंस ट्रेड, इधर जाम ही रहता है ना बहुत ज़्यादा, जाम के कारण और परेशानी होती है। डर भी रहता है कि मोबाइल सिम के भाग मत जाना, पटना में बहुत कॉमन, हर जगह बहुत कॉमन चीज़ है मोबाइल सिम के भाग जाना। भैया लगता है मेरा ब्लॉग बनाने देंगे, उसमें बरम बाजार है, वन प्लस स्टोर, और इनका बाल देखिए पीछे से पूरा खराब हो गया, छपरी जैसा दिख रहे हैं। बाल कट करा दिए मुसा जैसा क्या जी, जाइएगा सस्ता सैलून में तो केस कट भी करेगा सब नहीं चाहिए। ये है यहाँ का पंचमुखी का पंचमुखी मंदिर, एक कल ओपन हुआ है तनिष, यहाँ पे कल रोल्स रॉयस भी आया था, स्टेज शो भी हुआ, काफ़ी खूबसूरत डांस प्रोग्राम वगैरह हुआ था यहाँ पे। और हमारे मटर कश्ती नाम का चैनल है भैया का, वो भी आए हुए थे कल यहाँ, वो भी शायद पटना के ही हैं लोकल, अब ये तो नहीं पता है कहाँ के हैं, लेकिन पटना के ऊपर समर्पित हैं वो, अच्छा अच्छा कंटेंट लगाते हैं, हम लोग उनसे सीखते हैं। और हमारे भैया हैं जी अभिषेक जी, उनसे हमको ज़्यादा सीखने को मिलता है। अभी आ गए हम लोग पटना बोरिंग रोड चौराहा, और इसी रूट में आगे से जाके आपको हाई कोर्ट, इनकम टैक्स चौराहा ये सब दिखेगा, बिहार म्यूजियम भी थोड़ा सा दिख जाएगा। अरे भैया कहाँ आ रहा है इसमें, धनी मनी भैया एप्पल वॉच पहने हुए हैं, हम लोग तो गरीब आदमी। और ये खूबसूरत सा पेंटिंग, पटना में यही बहुत खूबसूरत लगता है पेंटिंग। क्लास मतलब भाई का नहीं, हमारा भाई पढ़ता है यहाँ, फिजिक्स वाले हमारे भाई नहीं है,
है हमारा हनुमान मंदिर, वहीं जाना हमें। अभी क्या है कि मेट्रो को लेकर थोड़ा सा इशू हो रहा है, इधर ऑटो ऑटो उधर ही रोक देता है, थोड़ा सा पैदल चल के जाना पड़ता है गली गली, मेट्रो का काम हो रहा है इधर। अभी रहा मस्जिद, देख सामने मस्जिद है, अल्लाह अकबर लिखा हुआ है। हम हैं रोड छाप ब्लॉगर, रोड पर ब्लॉगिंग करते हैं हम लोग। सबसे पुराना घर यहीं लगता है, लगता है इसमें कबूतर उबूतर रहता होगा, पुराने जमाने में कोई रहते हैं। ये मेन गेट महावीर मंदिर का, यहाँ थोड़ा सा वही इशू है जाम का, और जाम लगने का रीज़न है जंक्शन भी यहीं है, मंदिर भी यहीं है, मेन जंक्शन के कारण जाम लगता है, और थोड़ा सा जगह का इशू है, चौराहा भी है एक, और सब जगह से ये रास्ता मिलता भी है यहाँ पे, इसलिए। ये एंट्री, एंट्री इधर से हालांकि नहीं होता है, एंट्री होता है पीछे की तरफ, और भीड़ आपको दिख रहा है, भीड़ आज काफ़ी रस में है, भीड़ आज का, अभी तो बाहर ही हम लोग, अंदर पता नहीं कितना बड़ा लाइन होगा। इधर है पटना जंक्शन, चप्पल जूते जमा करने का लाइन है, तो हम लोग चप्पल खोल रहे हैं यहाँ, खोलो खोलो चप्पल खोलो, भीड़ इतना है कि समझ में नहीं आ रहा कि ब्लॉग आदमी शूट करे तो करे कैसे। ये तो चप्पल जूता निकालने का एरिया है, अंदर में पता नहीं अब कितना भीड़ होगा, इधर भी पूरा भीड़ है भाई, इतना भीड़ है कि हम लोग ठेले पर ठेले जा रहे हैं, कुछ चप्पल चलने की जरूरत नहीं है, उससे भीड़ आपको आगे पहुँचा देगी। कुछ लाइन नहीं है, आई हो बाबू अगर कम मत पूजा वही रहो, जय जय श्री राम। भीड़ इस तादाद में है कि इंसान घुस जाए वही बहुत है। पहले हम लोग का एंट्री हो गया है, हमारा एक दोस्त खो गया, तीन जन तो है, तीन ही बच्चे, एक खो गया पता नहीं कहाँ, अब हम लोग को मिल पाएगा कि नहीं उसका भी कोई ठीक नहीं, मिल जाएगा, पटना बहुत बड़ा नहीं है। ये हो रहा है प्लानिंग, विराट रामायण मंदिर, रामायण ही लिखा हुआ है ना, जानकी नगर में, पूर्वी चंपारण, और पता नहीं लोग के झोंक का होता है, ताकत की कमी होता था, श्रीराम की एनर्जी ड्रिंक यूज कर, आवाज सुनाई दे रहा है आपको, जय श्री राम का।
टाइम हो गया थोड़ा चंदन टीका करने का, भगवान जी से दर्शन कर लिए हम लोग और निकल रहे एग्जिट की तरफ, क्योंकि बहुत भीड़ है अंदर में, कुछ कर पाना बिल्कुल संभव नहीं है, बहुत ज्यादा भीड़, देख लीजिए इतना भीड़। हम लोग चंदन टीका कर चुके हैं और लग रहा है कि पूरा हनुमान जी के बड़े भक्त हैं हम लोग, ऊपर नहीं जाएंगे घूमने, पता नहीं, बहुत भीड़ है। और उधर पटना जंक्शन आज महावीर जयंती है, उज्जैन वाला आई लोग महावीर जयंती समय को भीड़ लगी, हाँ सब कुछ समझ रहा है, महावीर जयंती हनुमान जी का जयंती है लेकिन जयंती है बुद्ध भगवान का, अब इन लोगों को कौन बताए, भक्ति भक्ति है कुछ भी हो, कम से कम महावीर जयंती सोच के ही आए हनुमान जी के पास, नहीं तो लोग आते कहाँ हैं, भक्ति तो खत्म होते जा रही धीरे धीरे। तो प्रेम से बोलिए आप लोग भी जय श्री राम और भगवान का नाम लेते रहिए। अभी हम लोग चल रहे हैं अपना चप्पल बोले, चप्पल मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई ठीक नहीं है, इतना भीड़ था और चप्पल बहुत कोशिश के बाद मिला हम लोग का, आज तो लगा था कि चप्पल मिलता ही नहीं, दुख हो जाता हम लोग को अलग, मिल गया है, थैंक यू थैंक गॉड। ये आखिरी व्यू हनुमान जी के मंदिर का है, अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे पटना जंक्शन का एरिया।